हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंतिमा दुबे। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ 5 और 6 न्यूड लिपस्टिक अंडर 299। और ऐसा नहीं है कि आप इनके लिए कम पे कर रहे हो तो आपको इनकी क्वालिटी के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। बस एक प्रॉब्लम है कि इनमें से कुछ लिपस्टिक जो है वो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी, आपको ऑफलाइन ही लेना पड़ेगा। आपके आसपास जो भी कॉस्मेटिक स्टोर हैं आप उन पर जाके इनको ढूंढेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। बट इनकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। जब मैंने इनको लिया था तो मैंने भी इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था कि 100 और 150 में आपको क्या ही मिल जाएगा। जब मैंने यूज़ किया इनको तो मैं सरप्राइज हो गई। मुझे लगा इन लिपस्टिक को आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो अभी शुरू करते हैं वीडियो को। जो सबसे पहली लिपस्टिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये रिच गर्ल की। एंड इसका जो प्राइस है वो 120 से लेके 150 तक की आराम से आपको मिल जाएगी। एंड इसकी पैकेजिंग बहुत ही लग्जूरियस पैकेजिंग है। इसकी पैकेजिंग देखकर कोई भी नहीं गेस कर सकता कि ये 120 की लिपस्टिक होगी। एंड इसका जो शेड नेम है वो है 09LS। एंड ये पूरी मैट है, मीडियम टू डार्क स्किन टोन पे आराम से चली जाएगी और आपकी लिप्स पे ये 4 से 5 घंटे तक स्टे करती है अगर आप कुछ खाते पीते नहीं हैं। और इसका जो शेड है मैं आपको स्वॉच करके दिखा देती हूँ, बहुत ही खूबसूरत शेड है। और जो दूसरी लिपस्टिक है वो है ये कलर्स क्वीन की प्योर मैट वाटरप्रूफ। एंड इसका जो शेड नंबर है वो है 33। एंड ये मुझे 100 रुपीज़ में मिली थी। एंड इसकी भी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है और ये भी मीडियम टू डार्क स्किन टोन पे आराम से चली जाएगी और ये 4 to 5 hours आराम से आपके लिप्स पे स्टे करेगी। इवन उससे भी ज़्यादा, जब तक आप इसे किसी अच्छे मेकअप रिमूवर से रिमूव नहीं करेंगे तब तक ये पूरी तरह से आपके लिप्स से नहीं जाएगी। मैं इसका स्वॉच करके आपको दिखा देती हूँ, इसका भी बहुत ब्यूटीफुल शेड है। ये पहले वाली लिपस्टिक से काफ़ी सिमिलर है, बस ये थोड़ी सी पिंकिश है और जो पहले वाली लिपस्टिक थी वो थोड़ी सी पीचिश न्यूड थी। और तीसरी लिपस्टिक जो है वो भी कलर स्क्वीन की है, मैट मी। एंड ये लिक्विड लिपस्टिक है, ये भी मुझे 100 रुपीज़ में मिल गई थी। इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी आपके लिप्स को ड्राई फील नहीं करवाती है, बहुत ही कंफर्टेबल है। और ये भी मीडियम टू डार्क स्किन टोन पे आराम से चली जाएगी और ये भी 4 से 5 घंटे तक आराम से आपके लिप्स पे स्टे करती है। इसका भी मैं स्वॉच करके आपको दिखा देती हूँ, ये थोड़ी सी पिंक टोन में ज़्यादा है। और अगली लिपस्टिक जो है वो है सभी की फेवरेट लिपस्टिक होगी, कौन होगा जिसके बारे में नहीं जानता होगा। ये है मेबलिन की क्रीमी मैट रेंज में से न्यूड नियॉन्स। एंड इसका शेड नंबर है 657। एंड ये सभी की बहुत फेवरेट लिपस्टिक है। एंड इसका शेड भी बहुत प्यारा है, ये भी मीडियम टू डार्क स्किन टोन पे आराम से चली जाएगी। बट इसका जो स्टेइंग पावर है वो 1 घंटे से भी कम है। मुझे पता नहीं क्यों ये लिपस्टिक उतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं जब भी इसको लगाती हूँ 1 घंटे से पहले ही ये फेड हो जाती है पूरी तरह से मेरे लिप से। मुझे समझ ही नहीं आता कि कितनी देर तक ये रहती है। और इसका जो प्राइस है वो 299 है, बट इसके बारे में सभी बहुत ज़्यादा बात करते हैं, सभी इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। शेड इसका बहुत प्यारा है बट जो ये आपके लिप्स पे स्टे नहीं करती, मुझे लगता है कि 1 घंटे से कम में ही ये चली जाती है। आप चाहे कुछ खाएं चाहे ना खाएं, ये बिल्कुल भी ज़्यादा देर तक आपके लिप्स पे नहीं रहती। और अगली लिपस्टिक जो है वो सेम रेंज से है, मेबलिन की है, टच ऑफ स्पाइस। एंड इसका शेड नंबर है 660। सेम इसका भी जो कलर है वो बहुत प्यारा कलर है, पिंकिश न्यूड है। बट वही सेम जो प्रॉब्लम उस लिपस्टिक के साथ है, सेम वही प्रॉब्लम है, ये भी ज़्यादा देर तक आपके लिप्स पे स्टे नहीं करती। एंड इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे अच्छी नहीं लगती। इसका भी प्राइस वही 299। मैंने दोनों एक साथ में ही लिया था, मुझे डिस्काउंट में मिल गई थी, शायद 500 में दोनों मिल गई थी तो मैंने दोनों एक साथ ही ले लिया था। और लास्ट लिपस्टिक जो मेरे पास है वो है ये लैक्मे की इनरिच मैट लिपस्टिक। इसका जो प्राइस है वो 299 है, बट हमेशा आपको ये डिस्काउंट पे मिल जाएगी, नायका या फ्लिपकार्ट पे आपको 220 तक मिल जाएगी। एंड इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका जो शेड नेम है वो है RM11। बट मैंने एक चीज़ देखा है कि इसके बारे में कोई भी यूट्यूबर बात नहीं करता। मैंने इनफैक्ट जब ये वीडियो बनाने वाली थी तो इसके पहले मैंने कुछ सर्च भी किया था, बट मैंने मतलब इस लिपस्टिक का नाम मैंने कहीं पे भी नहीं देखा, जबकि इसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। इसका शेड मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा न्यूड है, ये भी मीडियम टू डार्क स्किन टोन पे आराम से चली जाएगी। एंड ये भी 4 से 5 घंटे तक स्टे करती है और ये जब ना फेड होने लगती है तो
बहुत अच्छा सा टिंट आपके लिप पे छोड़ देगी, बहुत गंदा नहीं लगता। कई लिपस्टिक होती हैं जब फेड होती हैं तो कहीं इधर से निकलती कहीं उधर से निकलती हैं, ऐसा नहीं है, ये आपकी लिप्स पे एक अच्छा सा टिंट छोड़ देगी। बट इसकी जो पैकेजिंग है वो मुझे कम पसंद है। इसकी पैकेजिंग, मैंने दो लिपस्टिक ली थी बट दोनों की पैकेजिंग जो है, जो इसका ये चीज़ है जो रोल करते हैं वो बहुत टाइट वो होता है। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है। एंड ये जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको फील होगा कि ये बहुत क्रीमी है, बट थोड़ी देर में विद इन 30 सेकेंड ये पूरी तरह से मैट हो जाएगी एंड बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होती। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देना, बगल में जो बेल बटन बनी है उसे जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलती हूं मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।